कि हम क्या करने जा रहे थे, आपने 125 की जगह 300 यूनिट बोल दिया, बोली लगना शुरू हो गई इस प्रदेश के अंदर, मतदाताओं की बोली लगनी शुरू हो गई कि हम 125 की जगह हम 300 यूनिट देंगे। और कई वर्षों से राजनीति के अंदर इस बात को मैंने देखा है। यह पहला चुनाव था जब मुझे भी लगता था कि शायद इस चुनाव के अंदर हवा ठीक नहीं बैठेगी। कारण क्या था? बड़े बड़े दीवारों पे लिखा जाता था कि 1500 रुपए महिलाओं को देंगे। हम जो चीजें आप दीवारों में लिख रहे थे, वो एक मुझे भी लगता था जब मैं चुनाव के अंदर गया तो वहां पर बात कर रहे थे, महिलाएं कहते हमसे फार्म भराया है, जो कैंडिडेट कांग्रेस के फार्म भराते थे, और वे कहते थे कि इस फार्म को भरेंगे आपको 1500 रुपए लग जाएंगे। अभी सरकार नहीं बनी, आपने फार्म भरा दिए। ये सत्ता प्राप्त करने का तरीका हो सकता है, परंतु जा कहां रहे हैं हम? मैं इस सदन में इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि राजनीति के अंदर एक्सपेरिमेंट करना छोड़े हम। 5 साल कांग्रेस के लोग हम एक्सपेरिमेंट करते रहे, भाजपा के लोग, और 5 साल कांग्रेस एक्सपेरिमेंट करने जाने वाली है। हम क्या करने जा रहे हैं? 5-5 साल का यदि वक्त मिलता रहा, हम 5-5 साल इस एक्सपेरिमेंट को करते रहे, तो इस प्रदेश को हम कहां ले जाएंगे? हम अपने तरीके से बात इसलिए कहना चाहता हूं, चुनाव आए और इस बात को, क्योंकि सभी जानते हैं चुनाव से पहले क्या परिस्थिति थी, मैंने इस बात को महसूस किया। आपने 125 यूनिट बिजली फ्री कर ली पिछली जब सरकार की, आपने देखा। ये बात मैं अपनी पार्टी के लोगों से भी बात इस बात करना चाहता हूं, हमने 125 यूनिट बिजली फ्री करने की बात रखी, गांव के अंदर पानी की जो है फ्री करने की बात रखी। परंतु मैं पूछना चाहता हूं सदन से कि हम क्या करने जा रहे थे, आपने 125 की जगह 300 यूनिट बोल दिया, बोली लगना शुरू हो गई इस प्रदेश के अंदर, मतदाताओं की बोली लगनी शुरू हो गई कि हम 125 की जगह हम 300 यूनिट देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि इस विभाग में मैं मंत्री रहा हूं और मैंने इस बात को देखा है कि लगभग 600 करोड़ रुपया आर्थिक रूप से हम जो है बिजली बोर्ड को देते हैं, और आज स्थिति 125 यूनिट की आई है तो 600 करोड़ रुपया आपको देना पड़ेगा। आपने तो अभी तक इस बात को चुप बैठे हैं, परंतु यदि आप यदि 300 यूनिट देने की बात करेंगे तो 1600 करोड़ रुपए चाहिए आपको। हम कहां जा रहे हैं? किसने मांगा आपसे? क्योंकि हमने किस बात को उठाया कि केजरीवाल ने यदि दिल्ली में लागू कर दिया, हम उस दौड़ में लग गए, हम उस बात को लग गए कि केजरीवाल ने यदि बिजली फ्री की पानी कर दिया, हम भी उस तरफ दौड़ने लग पड़े। परंतु उसका रिजल्ट ठीक नहीं आया, उसका लोगों ने जवाब जो है ठीक नहीं आया। मैं ये बात कहना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली के अंदर लागू करने का मतलब आय के साधन दिल्ली में ज्यादा है हमसे, आय के साधन दिल्ली के अंदर, जीएसटी कैलकुलेशन जो कलेक्शन है, हम तो उनके आगे कुछ नहीं है। हमारा प्रदेश कहाँ है? क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? ये प्रश्न इस बात का है। हमें करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, प्रश्न इस बात का है। परंतु हमने उस दौड़ पे तो लग गए, परंतु उसका कोई बहुत बड़ा रिजल्ट जो है हमारे इस स्टेट को ना मिला। और यही कारण है कि बहुत सी चीजें हम लागू करने की बात करते हैं, बहुत सी चीजें हम प्रदेश को देना चाहते हैं, परंतु प्रदेश क्या चाहता है? और इसमें इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आय के साधन कैसे बढ़े, इस सरकार ने प्रयास किया। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अभी ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, ऊर्जा मंत्री रहा मैं, उस बात को मैंने महसूस किया उस वक्त, और ये बात मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज परिस्थितियां क्या है कि आज जब मैंने 250 किलोवाट और 500 किलोवाट के हमने प्रोजेक्ट देने की बात की, आप तो कहते हैं हम 40% सब्सिडी देंगे। आप 40% सब्सिडी क्यों देंगे, प्रश्न इस बात का है, आप क्यों देने जा रहे हैं? हमने 40% सब्सिडी नहीं कहा, हमने कहा कि 250 500 किलोवाट के जो लगाना चाहते हैं प्रदेश के अंदर वो लगाएं। और मैं आपको आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि लाइन लग गई, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे हमने उनको प्रेफरेंस दी और नौजवानों ने लगाया। परंतु आज ये ध्यान में इसलिए आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, सरकार के ध्यान में भी लाना चाहता हूं कि पावर परचेज एग्रीमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से होगा वो क्या होगा, प्रश्न इस बात का है। यदि आप 40% सब्सिडी देते हैं तो उसका लागत के ऊपर आप कितनी खरीदेंगे? और मुझे याद है कि मैंने जब एज ए पावर मिनिस्टर जब मैंने बात की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कि आप कितने में खरीदेंगे, वो कहते हैं हम 3 रुपए में खरीदते हैं। मैं कहा ठीक है, आप 3 में खरीदते हैं, आप 2.5 रुपए में लीजिए इसको।
और उस बात को माना उन्होंने कि 250 रुपए पे हम इस बात को खरीदेंगे, क्योंकि हमें सोलर की एनर्जी जो मिल रही है, आज मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम इस बिजली पैदा करेंगे। सर्दियों की कमी, सर्दियों में क्यों कमी आती है? सर्दियों में क्योंकि हमारे पास